तो हेलो नमस्कार, जय श्री राम सभी को। कहते हैं ना, कर्म करे चल, फल की चिंता मत कर, अपने रास्ते पर अड़े रहे और बढ़े चल। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ है आदिपुरुष के मेकर्स को। इन लोगों ने नीचे डूबती मूवी को ऊपर उठाया है, हर तरह की स्ट्रेटजी अपनाई, इमोशनली, ड्रामेटिकली और सबसे इंपॉर्टेंट, इनका कभी ना हारने वाला चुनो भाई, मजा आ गया। जी हाँ, कल को आदिपुरुष का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मेरे भाइयों, उम्मीद तो थी कि कुछ अच्छा ही ट्रेलर निकालेंगे, लेकिन उम्मीद से बढ़कर निकाल देंगे भैया, इसकी उम्मीद ना थी हमें। मतलब पहले सीन से ही गूजबम्स उठने लगे थे मेरे तो। क्या राइटिंग विद क्रिएशन किया है यार, अमेजिंग। रावण कैसा होना चाहिए, फुल क्रुएलिटी दिखा दी 20 सेकंड में ही। माँ जानकी को जड़ों से बांध कर ले जाने वाला सीन बिल्कुल एक हॉरर फिल्म का एक्सपीरियंस दे रहा था, और ऐसे हवा में लटका के ले जाना भाई, कसम से मजा आ गया। कहते ना कि अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप कितना भी बड़ा रिस्क ले लो, फेल कभी नहीं। सेम काम आदिपुरुष के मेकर्स ने किया, उन्होंने भरोसा था कि हमने एक ऐसा कंटेंट बनाया है जिसको थोड़ा सा तराश कर दिखाएंगे तो डेफिनेटली ये लोगों को पसंद आएगा, और ऐसा सच साबित होता अब दिख रहा है। जब से इन्होंने मोशन पोस्टर निकाले थे, जनता के दिल में आदिपुरुष के लिए जगह बननी शुरू हो गई थी। फिर आया इसका ट्रेलर, भाई साहब ये वाकई में ब्रह्मास्त्र था इस फिल्म के लिए, पूरी कहानी अपनी फेवर में ले गए थे। फिर उन्होंने एक और ब्रह्मास्त्र दागा राम सिया राम सॉन्ग को रिलीज करके अब तक जनता यकीन कर चुकी थी कुछ है इस मूवी में देखने लायक। लेकिन रामायण सुन के थोड़ा युद्ध, वॉर और मास सिनेमा का बिल्कुल एक्सपेक्टेशन होता है, बस पहले ट्रेलर से इस चीज की कमी लग रही थी और मेकर्स ने इस कमी को भी पकड़ डाला, और आओ देखा ना ताओ बिना समय गवाए कल को अपना फाइनल ट्रेलर रिलीज कर डाला। भाई साहब पूरी कहानी पलट कर रख दी। मेकर्स जो कह रहे थे ना कि यकीन करो, थोड़ा सबर करो, तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ दमदार है, शानदार है, और कल इन्होंने साबित कर दिया। मतलब 2 मिनट से ऊपर के ट्रेलर मानो कब खत्म हुआ पता ही नहीं लगा। क्या तो एक्शन मिलने वाला है मूवी में, इमेजिन कर सकते हो। जबरदस्त वीएफएक्स का इस्तेमाल किया है। जी हां दोस्तों, अब वीएफएक्स में भी काफी सुधार कर दिया गया है। रावण का लुक और लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ रावण, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में दूसरा हथियार, भाई साहब गूजबम्स की बिल्कुल कमी नहीं हुई है पूरे ट्रेलर में। हनुमान के ऊपर राम के बैठकर लड़ना, युद्ध लड़ना, तीर चलाना, हनुमान का लुक, सब कुछ एक नंबर। और क्या अमेजिंग डायलॉग डिलीवरी हुई है इस बार भाई, कतई जाए। मानना पड़ेगा द वॉइस ऑफ शरद केलकर, क्या डबिंग करी है इस बंदे ने, ऐसा लग रहा है कि खुद प्रभास ही बोल रहे हैं ये डायलॉग। एंगल लुक ऑफ प्रभास इज अमेजिंग एंड प्योर लुक ऑफ कृति सनन इज टोटली ब्रेथ टेकिंग। और दोस्तों जबरदस्त एक्शन देखने को भी मिलेगा, वो ट्रेलर से साफ पता लग रहा है। कुल मिलाकर ट्रेलर ने दिल लूट लिया है भाई साहब। लेकिन एक कमी ये रह गई कि रावण को पूरा मिस कर दिया। जब स्टार्टिंग में शुरुआत का सीता हरण वाला सीन था तो ऐसा लग रहा था थोड़ा एक्शन सिक्वल विद प्रभास के साथ अच्छे से दिखाया जाएगा, लेकिन रावण स्टार्टिंग से और लास्ट में ही दिखाया गया पूरे ट्रेलर में। ठीक है, एक तरफ बिल्कुल सेफ खेल रहे हैं मेकर्स रावण को ना शो करके, ताकि पब्लिक में और एक्साइटमेंट बने रहे मूवी में रावण को लेकर। पर अभी मांग थी पब्लिक की तरफ से रावण के लिए, क्योंकि प्रभास एज राम इतना ज्यादा फेस बना दिया है कि पब्लिक जब भी राम को पर्दे पर देख रही है अब नॉर्मल सा लगने लगा है। इट मींस ये कि यहां ये कहावत सिद्ध हो रही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है मूवी की ग्रोथ के लिए। तो भाई कल के ट्रेलर से एक चीज तो पक्का कंफर्म हो गई है कि मूवी में मजा तो आने वाला है, रावण का रोल बहुत जबरदस्त होने वाला है। भाई साहब सैफ अली खान जम रहे हैं रावण के रूप में भयंकर तरीके से, और यह बंदा अपने कैरेक्टर्स में गंदी तरीके से घुस जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों को यह भी कहना हो रहा है कि एक्टिंग के मामले में रावण डोमिनेंट करने वाला है पूरी मूवी में, मतलब लोग रावण की एंट्री का वेट करेंगे एवरी टाइम। तो देखो आगे और क्या होता है, आवाज से 10 दिन बाद 16 जून को सब पता लग जाएगा। साथ ही आदिपुरुष अपने साथ एक बोनस भी लेकर आ रही है। यस, 16 जून को भी सालार का फर्स्ट टीजर भी रिलीज हो जाएगा, जो प्रभास की एक और मच अवेटेड मूवी है। बात करें टोटल बजट की ऑफ आदिपुरुष, तो लगभग 700 करोड़ के खर्चे में बनाई गई है मूवी। साथ ही फिल्म को डायरेक्शन ओम रावत ने दिया है। बात करें कास्ट की, तो प्रभास एज राघव उर्फ राम, कृति सनन एज जानकी उर्फ मां सीता, सैफ अली खान एज लंकेश उर्फ रावणा, सनी सिंह एज लक्ष्मण और देवदत्त नागे एज बजरंग के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। कहानी रामायण पर बेस है, जिसमें इस बार रामायण पर फोकस, प्योर लव बॉन्ड ऑफ राम सीता का दिखाने पर फोकस किया गया है। अपने प्यार के लिए कैसे श्री राम पूरी लंका का नाश कर देते हैं, जिनसे देवलोक के बड़े बड़े देवता कांपा करते थे, उस 10 सर वाले रावण को हराया था। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, ये आप लोग बताएंगे अगर आप लोगों ने भी तक ट्रेलर देख लिया है तो ट्रेलर आपको कैसा लगा। दूसरा, आदिपुरुष के रिलीज होने का आप लोगों को कितना बेसब्री से इंतजार है, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।